नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। प्रयागराज से जुड़ चुके हैं भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेश चंद्रा जी। राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत जी सर, नमस्कार। है। डॉक्टर साहब, सिचुएशन आया क्यों कि आपको बयान देना पड़ा कि मैं उस पार्टी का सदस्य नहीं हूं? नहीं देखो, होता क्या है उसमें, सिचुएशन की कोई बात नहीं है। एक्चुअली एक व्यक्ति दो पार्टी का सदस्य कैसे हो सकता है? जब मैं भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ और उस पार्टी का सदस्य हूँ, तो एक व्यक्ति दो पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यह समझ में आया डॉक्टर साहब कि ओपी राजभर घोषणा किस आधार पर कर दिया कि प्रयागराज से चेयरमैन का चुनाव लड़ने के महेश चंद्रा? नहीं देखिए, इस संदर्भ में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, मेरी कोई वार्तालाप नहीं हुई थी। मैं कुछ आवश्यक कार्य से मैं गया था लखनऊ, और रास्ते में कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया बधाई का कि भाई आपको बहुत बहुत बधाई। तो हमने पूछा भाई किस बात की बधाई, तो कहने लगे सर आपको प्रयागराज का मेयर पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। तो हमने कहा नहीं भाई, इस प्रकार की हमारे पास कोई सूचना नहीं है। उसके बाद कई चैनल साथियों का फोन आने लगा, तो हमने कहा भाई इस प्रकार की मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो मैं चुनाव आयोग चला गया, वहां मेरा कुछ काम था, तो वहां कई साथी पत्रकार मिल गए, तो वार्तालाप हुई। जो सच्चाई थी वही मैंने बताया, वो कोई बड़ा इशू नहीं था। फिर शाम को हमारी बैठ के माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से वार्तालाप भी हुई, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं था। कभी कभी हो जाता है, त्रुटियां हो जाती हैं, त्रुटियां सभी से हो जाती हैं। एक सुभाषपा के नेता कहे थे कि पहले बात हो गई थी कि नहीं, डॉक्टर महेश चंद्रा चुनाव लड़ेंगे मेयर का, फिर वो ये सोचे कि कहीं हमारी पार्टी खत्म ना हो जाए इलाहाबाद में, धीरे धीरे प्रयागराज में, इसके लिए शायद पीछे हट गए। नहीं देखो, किसी के चाहने से या किसी के कहने से किसी की पार्टी नहीं खत्म हो जाती, और किसी को पार्टी छोड़ देने से या पार्टी से निष्कासित कर दिए जाने से पार्टी खत्म नहीं हो जाती है। वैसे भागीदारी पार्टी है, तो भागीदारी पार्टी एक विचारधारा है। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी उन तमाम नौजवान साथियों में एक विचारधारा पैदा कर रहे हैं जो आजादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, जो जिनको जो हक हिस्सा अधिकार मिलना चाहिए आज तक नहीं मिल पाया है, उन उपेक्षित जातियों की भागीदारी। लड़ाई तो लड़ने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। अभी गठबंधन में आप हैं सुभाषपा में? आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, आपका फोन आ जा रहा है, ये कह रहे हैं कि अभी आप सुभाषपा के गठबंधन में हैं? हाँ, सुभाषपा के साथ गठबंधन है, लेकिन चूंकि निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई कहीं से भी लड़े। कोई बड़ा चुनाव नहीं है, विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है, तो उस पर विधिवत मंथन किया जाता है, और निकाय चुनाव भागीदारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ रही है, सुभाषपा भी स्वतंत्र रूप से लड़ रही है। जहां पर सामंजस्य स्थापित हो पा रहा है तो हम लोग मिल के लड़ रहे हैं, जहां पर समीकरण नहीं बैठ पा रहा है तो वहां सभी लोग लड़ रहे हैं। तो अभी डॉक्टर साहब, जो भी लोकसभा चुनाव धीरे धीरे आ रहा है, तो ये कंफ्यूज नहीं होगा आगे चल के कि शायद सीट के लिए दोनों आपस में दोनों पार्टियां लड़े, कि नहीं हम तो यहीं चले रहेंगे तो फिर बंटवारा हो? नहीं देखो, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। जब लोकसभा चुनाव आएगा उस समय बैठ के वार्तालाप किया जाएगा। इस समय मेरा केवल एक लक्ष्य है कि भागीदारी पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो साथी हमारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव मैदान में आना चाहते हैं, भागीदारी पार्टी निरंतर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है, और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभा में अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के सुख दुख में सहभागी हो रहे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुन रहे हैं, और जितना हो सकता है उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और बूथ स्तर पर हम लोग इस समय संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हर बूथ पर अधिक से अधिक पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, बूथ अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं,
चूंकि चुनाव कार्यकर्ताओं के बदौलत ही लड़ा जाता है, चुनाव में कार्यकर्ता किसी भी पार्टी संगठन की रीढ़ होते हैं। तो इस समय हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, उत्तर प्रदेश में अभी तक 17 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची हमने जारी कर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में जारी की जा चुकी है, और सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूद गए हैं और सब बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। झारखंड में 3 प्रत्याशियों की, वहां भी सभी कैंडिडेट जमीन पर काम कर रहे हैं। चूंकि हमने राजनीति में एक चीज सीखा कि जब तक आपके पास जनाधार नहीं है, आपके पास वोट बैंक नहीं है, तब तक आपको बड़े दल केवल बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। जिस दिन आपके पास वोट हो जाएगी, आपके पास जनतंत्र हो जाएगा, तो यही बड़ी पार्टियां कहेंगी कि भाई समीकरण भागीदारी पार्टी बिगाड़ रहा है, तो इसको भी बुलाकर जो है वो क्यों ना मोर्चे में शामिल किया जाए। क्योंकि अब चुनाव, जितने भी चुनाव लड़े जा रहे हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, जी बिना मोर्चे के, बिना गठबंधन के कोई भी चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि बड़ी पार्टियों के पास अब वोट नहीं रह गया है, अब छोटी पार्टियों के पास वोट रह गया है। क्योंकि भारत वैसे भी जाति प्रधान देश है, जाति आधारित यहाँ चुनाव होते हैं, जाति देखकर टिकट दिया जाता है, जाति देखकर मंत्री बनाया जाता है, यहाँ तक कि जो सरकारें बनती हैं यही सरकारें तहसील पर ठप्पा मारकर देते हैं कि तुम फला जाति के, तुम फला जाति के, तुम फला जाति के। तो आजादी के 76 साल बाद जो जातियां अपने अधिकारों से वंचित थी, वो जातियां अब जागरूक हो गई हैं, अपने समाज का वोट का जनाधार खड़ा करके वो अपने समाज को भागीदारी दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उसी में से भागीदारी पार्टी भी है। चूंकि आजादी के 76 साल से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक एक टिकट उत्तर प्रदेश में देते थे और 403 विधानसभाओं पर प्रजापतियों की वोट ले लेते थे। देश को आजाद हुए 76 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में आज तक किसी दल ने लोकसभा में सिंगल टिकट किसी कुम्हार को नहीं दिया। लेकिन जब माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी आंदोलन मंच बनाकर पूरे देश में आंदोलन किया और पार्टी बनाया, तो भागीदारी पार्टी को दबाने के लिए हम तो श्री अखिलेश यादव जी के साथ मोर्चे में थे, उन्होंने 3 प्रजापतियों को लड़ाया और भागीदारी पार्टी को धोखा देने का काम किया है। आजादी के 76 साल से भाजपा कभी कुम्हारों को टिकट नहीं देती थी, दो टिकट देने का काम किया। कांग्रेस कुम्हारों को कभी टिकट नहीं देती थी 76 साल से, आपने देखा 22 में दो टिकट देने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं भागीदारी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। चूंकि लोगों को लगा कि अगर भागीदारी पार्टी खड़ी हो गई, पिछड़े पिछाड़े गए लोगों को एकजुट कर लिए, तो एक नई पार्टी खड़ी हो जाएगी। तो इस पार्टी को कैसे दबाया जाए, इसको दबाया तभी जा सकता है जब इसके समाज की भागीदारी दिया जाएगा। तो जो नए नए नेता खड़े होंगे, गुलाम नेता जिसको बोलते हैं, लोडर, तो वो अपने आकाओं के बदौलत काम करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे संघर्ष से अगर कुछ लोगों की भागीदारी मिलती है तो अच्छी बात है। हमारे समाज में एक दगा हुआ कारतूस है सरकार में बैठा हुआ, उसके कहने पर सच्चो मुकदमा तक नहीं लिखता है। अब वो अपने आप को बहुत बड़ा मंत्री समझता है, समाज के लोगों को, मैंने तो सुना कि समाज के लोगों, जो समाज के लोग उसके पास जाते हैं तो उनको गालियां देकर भगाता है, अब जो भी सच्चाई हो। लेकिन ऐसे नहीं, भागीदारी पार्टी नेता पैदा कर रही है, लीडर पैदा कर रही है। हम चाहते हैं, हमारी विचारधारा है कि हर घर में नेतृत्वकर्ता पैदा हो। जब हर घर में नेतृत्वकर्ता पैदा होगा तभी लड़ाई हमारी सकारात्मक दिशा में होगी। माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी की यह विचारधारा है, भागीदारी पार्टी की एक विचारधारा है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि भागीदारी पार्टी एक विचारधारा बन गई है। हम घर घर में अपनी विचारधारा पहुंचाना चाहते हैं कि आजादी के 76 साल से जो जातियां अपने अधिकारों से वंचित हैं, उपेक्षित हैं, उनकी हिस्सेदारी कैसे दिलाया जाए, इस सवाल को लेकर हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बोले कि 17 सीट पर हम लोग प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो फिर ओपी राजभर आमने सामने नहीं हो जाएंगे? अभी मान लीजिए आपका गठबंधन चल रहा है, तो इससे तो ये तो नहीं लग रहा कि आप ओपी राजभर पर दबाव देना चाहते हैं 2024 को लेकर? नहीं देखो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, दबाव की कोई बात नहीं है, वो अपने तरीके से अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने तरीके से अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आपको वो दिन याद होगा मदन भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज के लगभग 7 साल 8 साल पहले राजभर को कोई जानता नहीं था, राजभर समाज का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता था। लेकिन श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने निरंतर संघर्ष करके
अपने समाज को जगाने का काम किया, एकजुट करने का काम किया। तो आपने देखा है आज पूर्वांचल में टेलीविजन के बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट होता है कि पूर्वांचल के इतने जिलों में राजभर समाज की इतनी आबादी है, तो हम भी उसी तरीके से, हम तो उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताऊं, 403 विधानसभा सीटों पर अपनी प्राइवेट एजेंसी लगाकर सर्वे कराया, और सर्वे में जो निकल कर आया वो मैं आंकड़ा बताऊंगा तो आप आश्चर्य मानोगे, उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की ना हो। 10,000, 12,000, 18,000, 22,000, 25,000, 28,000, 36,000, 40,000, 50,000, 90,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी नहीं है। आप बुंदेलखंड में चले जाइए, 9 जनपद है बुंदेलखंड में, कुम्हारों की खान के नाम से जाना जाता है बुंदेलखंड। हाँ, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर 40,000, 35,000, 58,000, 50,000, 60,000 वोट ना हो, लेकिन कोई गणना नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के जो लोडर नेता अभी तक हुए, जो विभिन्न दलों में काम किए, वो समाज को बेचने का काम करते थे, वो समाज को गिरवी रखने का काम करते थे। क्योंकि समाज की भीड़ को एकत्रित करके, समाज के कंधे पर पैर रखकर खुद तो सदन में पहुंच जाते थे, और वहां पहुंचने के बाद केवल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते थे, अपना घर बनाते थे, अपना कॉलेज बनाते थे, अपने बेटा बेटी को नौकरी दिलवाते थे, लेकिन जिस समाज के बदौलत, जिसके कंधे पर पैर रखकर सदन के उस मंदिर में पहुंचने का काम करते थे, उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी के सवाल को लेकर लड़ने का काम नहीं करते थे कि जो गांव में मेरा भाई है, जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है, जो हमारी बहन बेटियां बेरोजगार घूम रही हैं, उनको मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर लड़ने का काम नहीं करते थे। इसी विचारधारा को लेकर माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, भागीदारी पार्टी का एक एक सिपाही, हम जनता के बीच में ये विचारधारा पहुंचा रहे हैं, और हम जितने भी उपेक्षित जाति के लोग हैं, हम सबसे अपील करते हैं, आप माननीय प्रेमचंद प्रजापति को नेता मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने समाज का नेतृत्व आप स्वयं करो, आप नेता बनो, आप उनके लिए लड़ो, हम आपकी भागीदारी देने का काम करेंगे, ये भागीदारी महेश पार्टी चाहती है। भाई, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अपने नगर निगम चुनाव को लेकर? देखिए, नगर निगम चुनाव में जैसे कि आपको जानकारी खुद ही मिला होगा कि भी लखनऊ से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पहली सूची वहां जारी किया, कल प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरी सूची जारी किया। हमारे जितने भी नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, चाहे वो मेयर के प्रत्याशी हो, चाहे वो पार्षद सभासद के प्रत्याशी हो, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हो, सभी प्रत्याशी जनता के बीच में पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर पार्टी की विचारधारा को बता रहे हैं, शहर की जो तमाम समस्याएं हैं उससे कैसे निजात पाया जाए, उस पर भागीदारी पार्टी ने जो अपना समीकरण तैयार किया है, उस समीकरण को जनता के बीच में बताया जा रहा है। और वैसे भी शहर में आप देख ही रहे हैं कि आए दिन पशुओं से पूरा शहर जो है परेशान है, बच्चे घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, पता चला पीछे से सांड आकर बच्चों को उठाकर फेंक दे रहा है, जो बुजुर्ग हैं उनका सड़कों पर चलना दूभर हो गया है, नालियों की स्थिति आप देख रहे हैं, अभी बारिश शुरू हो जाएगी जून में तो सारी नालियां जो है बजबजाना शुरू हो जाती हैं, पानी का जमाव होना शुरू हो जाता है, बिजली पानी की जो समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि शहर में मुफ्त बिजली मिले, पानी मुफ्त मिले, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि 13 तारीख को जिस दिन मतगणना होगी, आप देखिएगा भागीदारी पार्टी के सैकड़ों की संख्या में कैंडिडेट अपनी जीत सुनिश्चित करके भागीदारी पार्टी के उत्तर प्रदेश में परचम लहराने का काम करेंगे। ठीक है महेश जी, अब रात तक चैनल पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत